शालिन भरत इनको बहुत ज्यादा कम वोट्स हो चुके हैं और इस वीकेंड के वार में उनका इविक्शन होने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भाई ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं होने वाला है। इसका जो रीजन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो भाई बिग बॉस के घर के अंदर हम लोग ने कंटेस्टेंट के बीच में बहुत सारे झगड़े देखे, पर भाई आज तक कभी भी किसी ने भी स्टाफ के साथ वहां पे झगड़ा नहीं किया है, पर इस सीजन में हमें वो भी देखने के लिए मिल चुका है। और जो शालिन भनोत है उन्होंने भाई लिमिट क्रॉस कर दी है। उन्होंने डॉक्टर को ये कहा कि यू आर नॉट क्वालिफाइड टू ट्रीट मी। भाई इनका एटीट्यूड एक नेक्स्ट लेवल पे है और भाई सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि शालिन इनको घर से बेघर होना चाहिए, ही इज नॉट डिजर्विंग। ये हम सबको मालूम है, पर भाई बिग बॉस को चाहिए कॉन्टेंट, भले ही वो निगेटिव क्यों ना हो पर उनको कॉन्टेंट से मतलब है। अब देखो यार, जो नॉन टीवी एक्टर्स है यानी कि एमसी स्टैन, शिव, प्रियंका, ये सब वो भाई लोगों के दिल में छा चुके हैं, उनकी तरफ से तो कंटेंट मिल रहा है, पर अगर एक साइड हीरो है तो भाई विलन भी तो होना चाहिए। तो अब भाई शालिन भनोत इनके झगड़े बहुत सारे हो रहे हैं, वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो भाई सिगरेट भी गार्डन में फूंक रहे हैं जैसे कि उनका ही घर हो। तो अब ये सब कुछ होने के बाद भी बिग बॉस इनको घर से बेघर नहीं करेंगे क्योंकि उनकी तरफ से कंटेंट मिल रहा है। अब लव एंगल भी शुरू हो चुका है, जैसे कि आज के एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि शालिन जो है वो सौंदर्या इनको किस कर देते हैं गाल पे और उसके बाद भाई गौतम भड़क जाता है और अब उनके बीच में फाइट होगी। तो ये सब कंटेंट बिग बॉस मिस नहीं करेंगे इनको निकाल के। तो अब जो खतरे की घंटी वहां पे है वो है सृजिता और गौरी नागौरी इनके ऊपर। गौरी अगर इस बार इविक्ट हो जाती है तो भाई बहुत ज्यादा बुरा लगेगा क्योंकि शी इज लिटरली सो प्योर हार्टेड, पर अब भाई बिग बॉस का ही वो डिसीजन होगा कि किसको घर से बेघर करना है। शालिन बिग बॉस के घर से बेघर नहीं होने वाले और अब भाई इन दोनों में से इविक्शन होगा, सृजिता और गौरी नागौरी। अब आपको क्या लगता है किसका होगा इविक्शन कमेंट करके जरूर बताना। आज ही वीकेंड का वार अपडेट्स और न्यूज में आपको देता रहूंगा। चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब मैं आपसे मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कूल, बाय।